بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم my dear students of class 10th today my topic is Papaji's Moth Papaji's Moth is a prose lesson it is written by Arundhati Roy Arundhati Roy was born on 24th of November 1961 She was a great writer. She was a human rights activist who won the Booker Prize in 1997 for her novel The God of Small Things. This passage has been taken from the lesson, The God of Small Things. It is a famous lesson written by Arundhati Roy. She also won the Lenin Cultural Freedom Prize in 2002. She is also a writer of two screenplays and a number of collections of essays. Roy is well known activist for social and economic justice. Arundhati Roy was born in Shillong, Meghalaya, India to a Keralite Syrian Christian mother. The women's rights activist Mary Roy and a Bengali father. She spent her childhood in Ivinam in Kerala and went to school at Corpus Christi, Kottayam, followed by the Lauren School, Lauderdale in Nilgiris. She has written Papaji's Moth. Moth is a kind of it is an insect which Papaji discovered while he was sitting in the veranda of his house, and the moth fell into his glass of wine. He cleaned the moth, dried it in the sun, and took it to the Department of Entomology. He was a first rank officer in the Department of Entomology. So the moth was then identified. What happened later we will study in this lesson. The God of Small Things, 1997, is a story about the childhood experience of a pair of fraternal twins who became victims of circumstances. So it is a story of fraternal twins, also dizygotic twins, yani baradarana jurman bacche jo ek jaise the, to ye unhi ke bare mein ek kahani hai jo Arundhati Roy ne li hai apni kitab The God of Small Things se. ये बच्चे जो हैं ये बैग में विक्टिम्स बनते हैं, शिकार होते हैं वक्त के जमाने के. द बुक इज अबाउट हाउ स्मॉल थिंग्स बिल्ड अप वन्स बिहेवियर एंड अफेक्ट हिज लाइफ ऑफ पीपल. तो छोटी चीजें जो है वो किस तरह एक बिहेवियर एक मतलब एक इंसान बनाती है और किस तरह इंसान की जिंदगी पर असर करती है. द बुक वन द बुकर प्राइज इन 1997. इट वॉज अ क्लाइम्ड मास्टरपीस विच इंस्टेंटली बिकेम अ बेस्ट सेलर. रॉय रिसीव्ड हाफ ए मिलियन पाउंड्स इन एडवांस एंड राइट्स टू द बुक वाज सोल्ड इन 21 कंट्रीज. तो इस किताब ये किताब इतनी मशहूर हो गई तो राय को एडवांस में पैसे मिल गए और इसकी जो
ये किताबें जो है जो 21 मुल्क में इसके जो वो मुसवदे वो भेजे गए। द स्टोरी प्राइमरी टेक्स प्लेस इन टाउन नेम्ड अहिम। तो ये कहानी जो है ये एक गांव में वाका होती है। ये दलील ये इसका ये मतलब ये आगाज होता है, इसकी इब्तिदा होती है एक गांव में और इसका नाम है अहिमनम द पोर्ट ऑफ कोट्टयम इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया। तो केरला जो है वो इंडिया की स्टेट है, इसमें एक जगह है कोट्टयम, तो वहाँ एक जगह है अहिमनम, तो वहाँ ये वाका होता है। द टेम्पोरल सेटिंग शिफ्ट्स बैक एंड फोर्थ फ्रॉम 1969 व्हेन राहिल एंड इस्टा अ सेट ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल्स आर 7 इयर्स ओल्ड टू 1993 व्हेन द ओल्ड चिल्ड्रन मतलब ट्रिब्यूनल्स आर रियूनाइटेड एट एज 31। Much of the story is written in a viewpoint sympathetic to the 7-year-old children. तो इनकी हमदर्दी के मुतलिक ये कहानी जो है ये लिखी गई है। मलयालम words are liberally used in conjunction with English. तो मलयालम जो है वो words इसमें इस्तेमाल किए गए हैं अंग्रेजी के साथ। Prominent facets of Kerala life that the novel captures are communism. तो केरला में जो मतलब चीज़ें हैं जो वो मतलब उसकी जो फैसेट्स हैं जो नमूने हैं जो हमारी जो दिखाई देते हैं उसमें वो नावल ने कैप्चर की है, इसमें दाखिल किए हैं। द कास्ट सिस्टम एंड द केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ। तो कास्ट सिस्टम जो है वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ की जो लाइफ है वो क्रिश्चियन यानी अंग्रेज तरीके पर है, तो वो भी इसने इसमें नोट की है। द लेसन इज एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो लेसन है ये एक मासिल है, ये एक ये लिया गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से, जो किताब लिखी है अरुंधति राय ने। श्री बेनन जॉन इप रेफर टू एज पापाची विच मीन्स ग्रैंड फादर फादर। तो पापा जी जो है उसका नाम है श्री बेनान जॉन एप, जो ग्रैंडफादर यहाँ पर है। एंड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट प्रायर टू रिटायरमेंट, जो एक माहिर हशरियादान है जो साइंस मतलब साइंस जानता है किन कीड़ों का कीड़ों मकोड़ों का। एंड एंटोमोलॉजिस्ट प्राइवेट रिटायरमेंट फादर्ड अमू एंड चेकू विद हिज वाइफ। तो उसके जो बच्चे पैदा होते हैं रिटायरमेंट से पहले जिनका नाम अमू और चेकू है, उसकी बीवी से जिसका नाम है सुषमा इफ रेफर टू एज मामाची विच मीन्स ग्रैंड मदर। पापाची हैज बीन बिटर सिंस हिज डिस्कवरी ऑफ ए न्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ was dismissed and then credited to someone else. तो पापा जी जो है जो रिटायरमेंट के बाद तो उसने जो रिटायर अपने सर्विस के दौरान उसने एक मौत डिस्कवर किया जिसका उसको सिला नहीं मिल गया, फायदा नहीं मिल गया, और जो उसके बाद वहाँ वो उस जगह पर जो वो अफसर तैनात हुआ तो उसका क्रेडिट उसी को गया, इसलिए पापा जी की जिंदगी जो है रिटायरमेंट के बाद वो ठीक नहीं थी। हिज फैकेट ऑफ बीइंग ए परफेक्ट हस्बैंड एंड फादर हाइड्स हिज एब्यूसिव टेंडेंसीज टुवर्ड्स हिज फैमिली एस्पेशली मामा जी। तो मामा जी के साथ जो उसका सलूक रिटायरमेंट के बाद था वो ठीक नहीं रहा। एस्पेशली One night while Papaji is beating his wife, तो एक रात शाम को जब Papaji अपनी बीवी को की पिटाई कर रहा है, उसको मार रहा है, चेकू अमूज ब्रदर रोड स्कॉलर होम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टॉप्स हिम। तो उसका जो बेटा है चेकू,
तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से घर आता है और वो देखता है इस बाप को, वो उसकी माँ को जब मारता है तो उसको रोकता है एंड टेल्स हिम नेवर टू डू इट अगेन, और उसे कहता है कि दोबारा आप ऐसा कभी नहीं करना। फ्रॉम देन ऑन टिल हिज डेथ पापाजी नेवर हिट्स और स्पीक्स टू मामाजी अगेन। तो उसके बाद से जब बेटे ने उसको रोका मारने से अपनी माँ को, तो उसके बाद से उसने कभी उसके साथ बात नहीं की। दिस लेसन subtly raises important issues that plague our society. तो इस लेसन में वो इश्यूज, वो मामले दर्ज हैं जो हमारे इस सोसाइटी को, जो इस हमारे समाज को खराब करते हैं। मामाजी had started making pickles commercially soon after पापाजी retired from government service in Delhi and came to live in Ayyambinam. तो मामाजी जो उसने आचार बनाना शुरू किया, वो उसका बिजनेस था, वो उसकी उसका तिजारत उसकी तिजारत थी। तो जो ही पापा जी रिटायर हुआ तो उसने पिकल्स बनाना, आचार बनाना शुरू किया। द कोटायम बाइबल सोसाइटी वाज हैविंग अ फेयर एंड आस्क्ड मामा जी टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल। तो कोटायम बाइबल सोसाइटी जो है वहां एक फेयर, वहां एक मेला था और मामाजी को ऑर्डर्स मिल गए और उसे कहा गया कि आप केलों का और जाम और आमों का आचार बना के लाओ। इट सोल्ड, तो मामाजी ने तैयार किया, इट सोल्ड क्विकली। तो ये जो उसने आचार बनाया, जाम बनाया, ये जल्दी बिक गया एंड मामाजी फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कुड कॉप विद। तो मामाजी ने क्या मास किया कि आप उसको और ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो आप वो बिजी रहती है इस काम के साथ, आचार बनाने के साथ। लोगों को उसका आचार बहुत पसंद आया और उसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं आचार बनाने के लिए। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद